हेलो फ्रेंड, व्हाट्स गोइंग ऑन। वेलकम बैक टू माय चैनल करुण मार्ग। दोस्तों आज 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 बहुत दिनों बाद मैं वीडियो के पास आता हूँ। वो बात अलग है कि मैं बहुत लेजी बन जाता हूँ वीडियो एडिट और बनाने के चक्कर में। यार कोड तो लिखिए यार, कोड एक दिन में लिख लेता हूँ, दूसरा मसला नहीं। अब देखो बात वो ना टलता जाता है, 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 वो बहुत टाइम लग जाता है। तो लेकिन आप वीडियो आ गई। अच्छा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था मैं आपको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मेरा नया कीबोर्ड आ गया। हल्का तो आ रहा हूँ, मैकेनिकल है। लॉल, ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ था। तो मैं आपको अपना सेकंड इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अटैक डिवाइस टू, एक ही स्क्रीन है, अभी एक ही स्क्रीन, और मेरा माउस भी कुछ ऐसा है कि मैं इतना दूर हूँ लेकिन तब भी यार वो बैंडी गेम से आवाज डाली हुई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। बहुत अलग है थोड़ा गॉड। तो बैक टू वीडियो, आई होप अभी कोडिंग अच्छी जा रही होगी। नहीं नहीं बोला बोलिए। आपको लास्ट वीडियो आपको को बहुत पसंद आई थी, 21 व्यूज वाज लॉट ऑफ मी लाइक्स, 10 आ गए थे। तो उस वीडियो का लाइक हम 5 रख सकते हैं, तो 5 प्लीज लाइक कर देना। और आप लोग को सपोर्ट इतना अच्छा आ रहा है, हमारे 20 सब्सक्राइबर्स जो कि हमारा गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा गोल है 25, और 25 पे आने वाली है एक डेयर वीडियो। ये कोई कमेंट ही नहीं करता डेयर वीडियो के यार। पर 50 सब्सक्राइबर्स पे आने वाली है एक डेयर वीडियो, 50 सब्सक्राइबर्स में भी होने वाले हैं टाइम। अब वेल आप ये नहीं सोचना कि 22 को कोई वीडियो नहीं आने वाली, मतलब 22 में वीडियो तो आनी है। एंड आई विल मेक अ वीडियो कि 2022 को आप किस तरह वेब 3.0 को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। 22 में आप क्या कर सकते हो, क्या कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, वो इस वीडियो में नहीं बताने वाला। आज हम बनाने जा रहे हैं कैलकुलेटर, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्या कहते हैं, सिंपल तो आप कह लो लेकिन जो कि क्या कहते हैं आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। आप पहले चाहोगे, आप कहोगे यार 1+1 क्या होता है, सोच लग जाओगे। नहीं आया दुकान गए 300 रुपये लेने, भाई साहब आप बोलोगे भाई साहब यार कैलकुलेटर दो, भाई साहब बोलो कैलकुलेटर ओरिजिनल बोलो, आप बोलो यार ओरिजिनल दो मुझे, वो आपको कैसी का दे देगा 9199EX, कहेगा भाई 3500 का लेना, ले लो ना शाबाश। और फिर आप घर आओगे रोते रोते, मेरा कंप्यूटर है किस काम का यार, ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। अब ये टीके लेने का क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी वीडियो देखी थी यार, वो इतना बहुत एडवांस है, मैंने खुद समझा था वो लोग ऐप्स बना रहे थे और आई थिंक टीके लिंकर से ही वो कर रहे थे सब कुछ। टीके लेकर सीखना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। तो क्या कहते हैं सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं और सबसे लेते हैं सोशल ब्लेड, क्योंकि हर वीडियो में मुझे करना ही है, बहुत अच्छा लगता है। गुड मैं 21 देखो दोस्तों बहुत अच्छा आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैंने क्यों खोला, मास्क को कट कर देना। तो हम अब जम अब तो क्या कहते हैं, अब हम जाने वाले हैं रियल स्टोरी कोड पर, ठीक है। ओके आज थोड़ी वैसी कोडिंग है, सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो उससे हमने थीम चेंज कर ली, बहुत बुरी लग रही है थीम, पहले अच्छी लगती थी, अब टाइम हो गया उसको भी, साल होने वाला है। कलर थीम कौन कौन सी है, तो डार्क चाहिए, डार्क 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 लाइट स्टूडियो डार्क प्लस, अच्छी लग रही है, नाइस गुड 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 लुकिंग गुड लुकिंग। अब पता नहीं शायद 2-3 महीने चला लूँ। ओके तो आउटपुट अगर हम देखें, टर्मिनल खोलें अपना, पाइथन 3.9.9.4 चला रहा हूँ, पाइथन 4 आ गई आई थिंक। और क्या कहते हैं, अगर आपको देखा जाए लेकिन लोड हो रहा, तो क्या हो रहा है,
Oh. एंड फर्स्ट नंबर टेन वन आपको वन क्या करना है प्लस द सम ऑफ वन एंड वन इज 2.0 सॉरी अगर हम क्लियर करते हैं अब हम जाते हैं रूली की तरफ जो कि आपको सीखना है सिंपली इनपुट लिया पहले मैंने और इनपुट आपको पता है नंबर मैंने एक वेरिएबल ले लिया और फिर इनपुट करके कर दिया यहाँ पे मैंने इंट नहीं करा पता नहीं क्यों लेकिन करना चाहिए था मुझे लेकिन खैर मुझे कोई एरर तो नहीं आया ओ यहाँ पे मैंने फ्लोट यूज़ किया था ना यस ठीक है तो दरअसल मैंने इस तरह करके थोड़ा सा क्या कहते हैं ना वो करा था ताकि आप लोग के लिए ना आसानी हो जाए अगर आप लोग मेरा कोड छापो तो द सम ऑफ टू वेरिएबल नंबर वेरिएबल अगर सम करें ठीक है अगर सम होगा तो फ्लोट नम वन प्लस नम टू सम टू अगर हो जाएंगे फ्लोट नम वन माइनस नम टू इसी तरह सम थ्री में नम वन इंटू फ्लोट नंबर टू एंड सम फोर इक्वल टू फ्लोट नंबर नंबर वन यहाँ पे आप बोलो कि मैंने यहाँ पे डबल कॉलम क्यों नहीं लगाया डबल कॉलम ला सकता लेकिन मैंने एक कॉलम यहाँ पे लगा दिया था इसलिए मैंने थोड़े थोड़े ना नई चीज़ें अब यहाँ पे थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने लग जाती हैं तो यहाँ पे मैंने एक चॉइस का वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने ये पूरा लिख दिया आप सिंपल कर सकते थे कि एंटर ऑपरेटर डालते प्लस लिखते माइनस लिखते ये क्या कहते हैं उसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ बहुत मुश्किल नाम लगता है मुझे उसका नाम इसका भूल गया खैर मल्टीप्लाई आसानी आप उसको यही माना जाता है पाइथन में बहुत सारी लैंग्वेज यही माना जाता है मल्टीप्लीकेशन का यही होता है और स्लैश यू का डिवीजन ठीक है तो आपने करा अब यहाँ पे थोड़ी सी इफ स्टेटमेंट्स आने वाली है तो आप और से बात सुनना ठीक है अगर चॉइस हमारी ये है इफ चॉइस इक्वल्स टू ये इफ स्टेटमेंट लग रही है सिंपल और अगर हमने प्लस लिखा है तो लिखना तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट द सम ऑफ ज़ीरो एंड वन एंड टू अच्छा मैं आपको बताना चाहूँ ये वाला ब्रैकेट है क्या क्या यस ठीक है तो ये ज़ीरो वन एंड टू क्या है मैं आपको बताता हूँ ज़ीरो वन एंड टू ठीक है ज़ीरो ये है वन ये है और टू ये है शायद वो थोड़ा समझना है अगर हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे अगर हम इसको ये कर लें नहीं इसको अगर हम नहीं हटाएं उसको हम हटा दें एरर तो नहीं देगा एरर तो नहीं देगा लेकिन मैं देखता हूँ मैंने डायरेक्ट ही लिखा था वन वन प्लस ओके ठीक है ये इसने नम वन का मतलब मैंने उसको इस तरह डिफाइन कर दिया था ठीक है द सम ऑफ फॉर्मेट इज वन अच्छा ये इस तरह था मैं आपको बताता हूँ मैंने ये नहीं पढ़ा ना एक सेकेंड ठीक है ये करना ये हुआ ये था कि जो देखें ज़ीरो वन एंड टू डॉट फॉर्मेट ये होता है वेरिएबल को ना एक सही तरह से डिफाइन करने के लिए होता है ठीक है तो और उसका मैंने ब्रैकेट बोला नम वन देखो इसका देखो नम वन को हमने इस तरह डिफाइन किया ज़ीरो से नंबर नम टू को हमने डिफाइन किया वन से और सम सम मतलब जो ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था ना कहाँ गया ये क्या लिखा हुआ है ओ ए टी टी ओ डी यहाँ पे हर जगह फ्लोट आना था ये क्या हुआ ओके 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 मेरे ठीक है नम वन नम टू और नम नम थ्री ठीक है तो क्या कहते हैं जैसे कि नम वन पता था ये रहा नम वन नम टू ये रहा अब सम क्या था सम ये था ना जो सम में प्लस किया था तो इसे हो रहा था द सम ऑफ नंबर वन वन एंड टू इज सम मतलब हमने यहाँ पर जो किया था फ्लोट प्लस ये ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा और हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एल एंड कर दी हम यहाँ पे एल शिफ्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने इफ पावर लगाने का कोशिश की थी ठीक है तो इफ़ चॉइस इक्वल्स टू माइनस इसमें भी यही हुआ है ठीक है और इसमें भी हर जगह यही हुआ है अगर आप अब आपके पास इस बहुत वैसा सवाल आया होगा यार अगर हम डॉट फॉर्मेट नहीं लाते क्या होता आप खोल सोचोगे
हुआ तो कुछ भी नहीं है। देखा, इससे मैंने रन करा ही नहीं, इससे मुझे अभी से एरर दे दिया कि यहाँ पे डॉट फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको फर्स्ट नंबर वन प्लस वन प्लस आई हमें पक्का एरर देगा, कह रहा यार आप डिफाइन तो करो क्या है ये, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, यार आप डिफाइन तो करो। पाइथन इतनी अकलमंद, कंप्यूटर इतना अकलमंद नहीं है जितना हम अकलमंद हैं। कंप्यूटर पर हमें कंप्यूटर को एक कोड ऑफ लाइन देनी होती है और इतनी सिंप्लीफाई करनी देनी होती है कि कंप्यूटर समझ सके। अगर हम यू का वरना तो हम यू नहीं करते, अगर कंप्यूटर तो समझता होता मेक गेम लाइक कॉड कॉल ऑफ ड्यूटी, वो बोलेगा अगर उसको रन करूँगा दे देगा यार ये क्या बोल लिया आपने, तबीयत ठीक है सर आपकी, ये बोलेगा। इसलिए हमें कंप्यूटर को हर चीज़ डिफाइन करके देनी होगी, कंप्यूटर क्या करना है क्या करना है। ऐसे अगर कंप्यूटर बोलेंगे ना कंप्यूटर ऐसे अगर आप जब आप मेन विंडो पे जाते हो खोलते हो आप बोलते हो, आप बोलोगे बेल खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, बोल बोल के आप बूढ़े हो जाओगे खुलेगी नहीं। आपको माउस लेकर जाना होगा, डबल क्लिक करना होगा कंप्यूटर को, आपको मैसेज देना होगा, फिर जाके मेल खुलेगी। इस तरह नहीं खुल जा रही, आप बोलोगे यार एक्सप्लोरर खुल जाओ एक्सप्लोरर खुल जाओ, दबाना पड़ेगा तभी खुलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि हमें कंप्यूटर को सब कुछ डॉट फॉर्मेट लाया। अगर हम डॉट फॉर्मेट गूगल पर सर्च करें पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेट व्हाट इज डॉट डॉट फॉर्मेट, ठीक है, कहते हैं टेक्निक ऑफ स्ट्रिंग कैटेगरी जो कि आपको बताता है कि सिचुएशन खुद ही एडजस्ट कर लेता है कि इतना कंप्यूटर इतना अकलमंद है कि वो खुद बता सकता है। डॉट फॉर्मेट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा यार स्ट्रिंग कहाँ लगना है, इंटीजर कहाँ लगना है और क्या कहते हैं फ्लोट का लगना है, तो उस जगह हम डॉट फॉर्मेट लगते हैं। अगर फिर आपको एक और सवाल आपको दिमाग में उठोगा या अगर डॉट फॉर्मेट लाना तो हम यहाँ पर हमने फ्लोट ही लगाया, हमने फ्लोट इसलिए लगाया क्योंकि हमें एग्जैक्ट देना था, वरना यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं यहाँ पे अगर हम टू यहाँ पे इंट मैंने तभी यहाँ पे इंटीजर नहीं लाया, हम कुछ भी डाल सकते हैं वन प्लस वन वन प्लस वन। अगर आपके ये मैं एक चीज़ से दिखाता हूँ मुझे पक्का था एरर दे देगा, डॉट फॉर्मेट डाल लूँ डॉट फॉर्मेट, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा ना क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, तो ठीक है अब ये एरर दे रहा है नहीं आप ही नहीं रन करते। अगर हम एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे यू डाल दूँ यू डाल दूँ अरे क्योंकि उससे कहा भाई यार फ्लोट है फ्लोट 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 आप कन्वर्ट स्ट्रीम में करो फिर कन्वर्ट, तो हमें करना था आपको ऐसे कि पिछली वीडियो में जाता कि फ्लोट ही होता फ्लोट होता सिर्फ नंबर्स जो कि डेसिमल्स में हो। अगर हम अभी भी यहाँ पे सर्च करें गूगल में व्हाट इज फ्लोट इन पाइथन, देखिए तो वो भी बोलेगा कि भाई जो कि अगर आप तो ग्रेप का डाउनलोड कर लो बहुत सही चीज़ है। ठीक है प्रमोशन नहीं कर रहा पता नहीं नंबर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है अब आप बोल दोगे यार अगर डेसिमल पॉइंट था तो यहाँ पे 1.5 1.2 भी नहीं डाला हमने, अगर हम वो डालते हैं देख लेते हो आप लोगों का जो सवाल है ना वो सारे ये मैं एरर नहीं देगा ना तो मुझे पता नहीं दिया ना, ठीक है जिसे हमें एरर नहीं दिया। अगर हम दोबारा यहाँ से करें और लड़ देगा, अच्छा अगर यहाँ पे मैं करूँ हमें यहाँ पे एलिफ करना चाहिए ना एलसिफ एलिफ एलिफ एलिफ, ठीक है अगर हम यहाँ पे फोन में बना दिया ठीक है। और अगर अब हम करें क्ले करता हूँ यार, और अगर अब हम इसको रन करने की कोशिश करें फर्स्ट नंबर 10 प्लस ठीक है 10 हम, और अगर हम यहाँ पे लिख दें एल्स एल्स प्रिंट, मैंने सोचा था कि लिखा नहीं इनवैलिड इनपुट, ठीक है अगर आप उसको फॉल्टी करें थोड़ा सा 5 4
इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो आई होप आपको डॉट फॉर्मेट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और आपको पता चलेगा हमने ये ब्रैकेट्स क्यों इस तरह करें। और मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगा कि वो डॉट फॉर्मेट क्या होता है, अगर इस वीडियो में मुझे 5 लाइक्स मिल गए, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। 50 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है, पता भी नहीं चला। मज़ा आता है यार वीडियो बनाने में, बस मुश्किल काम रहता है एडिट करना। ओके तब हम सो रन करते हैं, अब थोड़ा एडिटिंग थोड़ा और काम, एडिटर भी बोलेगा, एडिटर तो खैर मैं ही हूँ, वो सब बोलता हूँ यार क्या है क्यों तुमने। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई कर देना यार, कंप्यूटर क्या चीज है। तो गाइस ये वीडियो इस हफ्ते के लिए आपको समझ गई कि मैं शॉर्ट भी चल अपलोड करना लूँ, यहाँ बस बिजी रह गया था यार, बिजी रह गया था माइनक्राफ्ट मैनहंट खेलने में। अब छुट्टियाँ स्कूल की कोचिंग है, तो अब वीडियो रेगुलर तो भूल ही जाओगी, रेगुलर मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो आने में मुझे बहुत टाइम लगता है, आपको 15 मिनट है ना आपको काट पीट के मुझे छोटी करनी होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।